कश्मीर पंडित यूनाइटेड फ्रंट ने बुधवार को कश्मीर में काम कर रही कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार से अपील की कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत लगे कर्मचारियों को घाटी से बाहर लगाया जाए क्योंकि वे वहां सुरक्षित नहीं है। तभी पुल के नजदीक प्रदर्शन करते हुए फ्रंट के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी देकर विस्थापित समुदाय के आर्थिक मसलों को हल करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए थे, इसका पुनर्वास योजना से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के इन कर्मचारियों के माध्यम से शांति का संदेश देने का प्रयास किया गया था। अब कश्मीर में इन कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, वे वहां सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हमने आज यहाँ पे इजलास किया है, जो वहाँ पे पिछले 3 साल से किलिंग्स हो रही है, ये बात सच है। मिलिटेंसी में फर्क आया हुआ है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, मगर ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी को बार बार टारगेट बनाया जाता है, उसके लिए हमें खेद है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए और हमारे जो एम्प्लॉयज वहाँ पे धरने पर बैठे हैं, केपी पैकेज एम्प्लॉयज, उनको रिलोकेट करें, हिंदुस्तान में किसी जगह भी भेजें ताकि वो महफूज रहे। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम अहिंसा परमो धर्मा पर चलने वाले लोग हैं, चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है और भी एम्प्लॉयज है कश्मीरी जो पंडित है या कोई मेजॉरिटी में है, जो मिलिटेंट की किलिंग है, हम सबको इकट्ठे निकल कर इसका मजम्मत करना चाहिए।